हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेलियार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से बनने वाला मेहंदी का डिजाइन सिखाने वाली हूँ। अभी मैं आपको थोड़े से ही एरिया में ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आप इसको फ्रंट और बैक के हाथ पे पूरे हाथ अच्छे से भर के भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये डिजाइनिंग ऐसी है जिसको जिन लोगों के पास बहुत टाइम नहीं होता ना, या फिर जिनको लगता है बहुत देर लग रही है मेहंदी लगाने में, इतना टाइम नहीं है, तो वो लोग इस तरीके की मेहंदी का डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ में ही अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं भी आता है तब भी आप इस डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं बहुत सिंपल स्टेप्स में, जैसे कि मैं अभी आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जितना बड़ा मुझे फ्लावर का शेप चाहिए था उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए जिगजैग फॉर्म में। आपको ऐसा नहीं करना कि एक दूसरे के जस्ट नीचे ही इसको बनाते हुए चले, जिगजैग फॉर्म में ही इसको ड्रॉ करते हुए चलना है ताकि फ्लावर्स यहाँ पे अच्छे से बन पाए। इसको मैंने आधे ही बाजू पे ड्रॉ किया है। आप पूरा हाथ में, फ्रंट में, बैक में पूरा अच्छे से भर के ड्रॉ कर सकते हैं। पैरों पे भी आप इस तरीके की डिजाइन को ऐड कर सकते हैं। एंड देन ये जो सर्कल है इसके अंदर ही छोटे छोटे से मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए फ्लावर बनाने के लिए। ये बेस मैंने इसके अंदर क्रिएट किया, देन इसके ऊपर जो है 5 पेटल्स का जो सेट है वो यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद सेम यही चीज बैक टू बैक मैं सारे जो सर्कल्स मैंने ऊपर तक ड्रॉ किए हैं उसमें करूंगी। अब देखो यहाँ पे आप इसको अपने खुद के डिजाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैं वो भी बताती हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो कोई बर्ड वाला पैटर्न यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर जो थिक वाला कोई भी आप मोटिफ ऐसे ले लो, मतलब कि जो होता है ना वो वाला ब्लॉक प्रिंटिंग वाले कुछ ऐसे मोटिव्स जो हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पैरट आप ले सकते हो, सांझी स्टाइल का जो डिजाइनिंग होती है, आप चाहे कोई भी बर्ड ले लो, एनिमल ले लो, वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो वाले पैटर्न्स नहीं आते हैं ड्रॉ करने तो सिंपल से आप जो मैं यहाँ पे फ्लावर्स की डिजाइनिंग कर रही हूँ सेम वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर कोई अलग फ्लावर्स अगर आपको यूज करने हैं वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अच्छे से। अब यहाँ नीचे की तरफ मैं स्पाइरल्स क्रिएट कर रही हूँ अलग अलग डायरेक्शन से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं बनाऊंगी। आप मेरे जैसे भी बना सकते हो, एक फ्लावर के साथ में 2 से 3 अलग अलग जो है स्पाइरल अलग अलग डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ये चीज का ध्यान रख रही हूँ कि मैं फ्लावर के आइट साइड वाला जो जगह है वो कवर अप करूँ और जो बीच का जगह बची हुई है उसको अच्छे से कवर अप करूँ ताकि डिजाइनिंग जो है वो एक जाल का जैसा जो पैटर्न होता है ना पूरा वो लगे। तो ये चीज आपको क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो फ्लावर्स मैंने ड्रॉ किए थे ना यहाँ पर उसके अंदर मैं शेडिंग वाला काम कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जो गर्ल फ्लावर्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं पूरे में शेडिंग वर्क कर लूंगी, क्योंकि क्या होता है ना अभी जो ये मैंने कर्व्स जो स्पाइरल्स जो ड्रॉ किए हैं इसके अंदर अगर मैं डिजाइनिंग कर दूंगी तो शेडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ पे शेडिंग वर्क कर लूँ एंड जो पेटल्स का बाहर वाली जो आउटलाइन है वो अच्छे से ड्रॉ करनी है और फिर ये एकदम पूरा पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बाहर जो एरिया है जहाँ स्पाइरल्स क्रिएट करे हुए हैं वो वाली चीज़ मैं डिजाइन इजिली कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आपको जरूर करनी है ताकि फ्लावर्स आपके अच्छे से हाईलाइट हों। ऊपर तक सारे फ्लावर्स में यही शेडिंग वाला वर्क जो है वो मैं रिपीट करते हुए जाऊंगी। वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, हर एक चीज को प्रॉपर डिटेल में देखना किस तरीके से। देखो अब एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने नोटिस करनी है कि हर एक एंगल से ना मैं हाथ रखते हुए डिजाइनिंग कर रही हूँ, एक एंगल से रखते हुए काम नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज को आपने बहुत ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप कोई भी पार्ट बीच का स्किप मत करना। और आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो जल्दी से कमेंट्स करके यहाँ पे मुझे बता दीजिए, और आगे जो है किस तरीके की डिजाइनिंग पर मैं वीडियोस आप सभी के लिए लेके आऊँ तो वो भी जरूर बताना। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे सिखाने का तरीका तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही वो चैनल है जहाँ पर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया आप सीखोगे, क्योंकि मैं वीडियोज डेली अपलोड करती हूँ। ओके, तो बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा ऊपर तक शेडिंग वाला वर्क कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे जो ये स्पाइरल वाला ये जो काम था ना
यहाँ पर मैं जो इसका एंडिंग वाला पॉइंट था वहाँ पर मैंने मोटी सी लीफ ऐड करी है वेव देती हुई, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और राइट साइड में ना जो लीफ मैं बना रही हूँ वो अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ कर रही हूँ, एक दूसरे के सामने ना बना के, एक बनाई थोड़ा सा गैप दिया, उसके अपोजिट साइड बनाई, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर अंदर की तरफ ड्रॉ करी। आप यहाँ पे जहाँ पर मैं इसकी बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे मोटी वाली लीफ ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे आप छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। अगर छोटे वाले लोटस, बिल्कुल बारीक वाले लोटस ऐड करने हैं वो भी आप इधर कर सकते हैं। आपकी ना इसमें चॉइस है, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें रहते हैं। यहाँ पर मैं लीव्स का काम कर रही हूँ ना, लीव्स की जगह आप ड्रॉप्स भी बना सकते हो, या फिर खाली वाले जो लीव्स होते हैं वो भी आप इधर क्रिएट कर सकते हैं। सारी क्रिएटिविटी आपके हाथों में है, जो आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से इसे स्टाइल कर सकते हैं। इसे मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे किया है, और ये बनने के बाद ना देखना कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आएगा, और स्टेन आने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर ये लगता है डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो अभी इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये है इसका फाइनल लुक, देखो कितना सुंदर ये पैटर्न लग रहा है। आप चाहें तो डॉट्स ऐड करके भी और इसको क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।